दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तरल पदार्थ के टैंकर गोल क्यों होते हैं? या एक ऐसी चींटी भी है जो पांडा की तरह दिखाई देती है? या बिजली का झटका लगने पर इंसान की मृत्यु क्यों हो जाती है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, भारत में हमको ऐसी कई जगह मिल जाएंगी जिनके पीछे की कहानी बेहद ही रहस्यमय और दिलचस्प है। इन जगहों के बारे में सुनकर हर किसी का मन इन जगहों पर जाने का कर ही जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसी ही एक जगह तमिलनाडु के धनुषकोडी में है। यह जगह तमिलनाडु के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के किनारे मौजूद है। इस जगह का संबंध रामायण काल से भी है व इसे भारत की अंतिम भूमि के रूप में भी माना जाता है। यहाँ एक ऐसी सड़क मौजूद है जिसे भारत की अंतिम सड़क कहते हैं। धनुषकोडी से श्रीलंका की दूरी लगभग 18 मील है। भारत के इस अंतिम गांव धनुषकोडी से श्रीलंका साफ दिखाई देता है। दोस्तों, अंतरिक्ष में लंबे समय तक खोज को जारी रखने के लिए कई देशों ने मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का निर्माण किया है। इस स्पेस स्टेशन में रहते हुए वैज्ञानिक 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। वे हर 90 मिनट में पृथ्वी का परिक्रमा कर लेते हैं, इसलिए वे हर दिन 16 बार सूर्योदय और 16 बार सूर्यास्त का अनुभव करते हैं। दोस्तों, बिजली का झटका लगना या करंट लगना बड़ी आम सी बात है। हमारे घर में कई ऐसे उपकरण मौजूद होते हैं जिनसे हमें करंट लगने की आशंका होती है, इसलिए हर व्यक्ति को इस विषय में सावधान रहने की आवश्यकता होती है। बिजली का झटका तब लगता है जब कोई व्यक्ति विद्युत ऊर्जा के किसी स्रोत के संपर्क में आता है। इंसान के शरीर में लगभग 70% पानी होता है। जब इंसान के शरीर को बिजली का झटका लगता है तो बिजली इंसान के शरीर उपस्थित पानी को पूरी तरह से जला देती है और पानी के जलने के कारण इंसान का खून गाढ़ा हो जाता है और खून का प्रवाह धीमा हो जाता है, जिससे इंसान के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं, जिससे इंसान की मृत्यु हो जाती है। बिजली का झटका लगने पर मनुष्य मुख्यतः सांस रुकने की वजह से, दिल की धड़कन रुकने की वजह से या फेफड़े के कार्य न करने की वजह से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। बिजली के झटके से होने वाली मृत्यु को इलेक्ट्रोक्यूशन कहा जाता है। दोस्तों, हम रोड पर आने जाने वाले कई वाहनों को देखते हैं। उसी प्रकार हमने जब आने जाने वाले ट्रकों को देखा होगा तो उनमें से कुछ वर्गाकार तो कुछ गोल होते हैं, लेकिन हम जब तरल पदार्थ, दूध, पानी या पेट्रोल की गाड़ी को देखते हैं तो हम एक पल के लिए सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर क्यों तरल पदार्थ के ट्रक गोलाकार होते हैं, जबकि ट्रक का आकार आयताकार होगा तो इसमें ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकेगा। पुराने समय में जानवरों के माध्यम से तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता था। सन 1905 में स्टैंडर्ड एंग्लो नाम की अमेरिकन कंपनी ने टैंकर का निर्माण किया। तरल पदार्थ की विशेषता होती है कि वह कोनों पर ज्यादा मात्रा में दबाव बनाएगा, जिससे आयताकार टैंक के कोने जल्दी खराब हो जाएंगे और रिसाव का खतरा बन जाएगा, जबकि गोलाकार होने पर सभी तरफ बराबर का दबाव लगेगा, जिससे गोलाकार टैंकर को काफी लंबे समय तक उपयोग में लाया जा सकेगा और रिसाव का खतरा भी नहीं रहेगा। इस वजह से तरल पदार्थ के टैंकर गोल होते हैं। दोस्तों, चींटी एक सामाजिक प्राणी है जिसका अपना समाज होता है, जिसमें सभी चींटियां नियम पूर्वक रहती हैं। चींटियों की कॉलोनी में एक से अधिक रानियां हो सकती हैं। चींटियों की प्रजाति संसार के सबसे छोटे कीटों की प्रजातियों में से एक है। चींटियों की शारीरिक संरचना हल्की होने के कारण उन्हें ऊंचाई से गिरने पर भी चोट नहीं लगती। हम मनुष्यों की तरह चींटियां भी भोजन को इकट्ठा करके रखती हैं। चींटियों के आकार में भिन्नता होती है। चींटी एक कठोर परिश्रमी कीट है। पर क्या आप जानते हैं कि पांडा की तरह दिखने वाली चींटियों की एक प्रजाति भी होती है जिसका नाम यूस्पिनोलिया मिलिटेरिस है। इसे पांडा आंट भी कहते हैं। यह पांडा की तरह दिखती है।